मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बायोडाटा को बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का आज का क्वेश्चन है, क्रिएट योर ओन बायोडाटा विद द फॉलोइंग फील्ड्स। हम लोग पिछले वीडियोज में मेल मार्च को सीखे थे, ठीक है, मेल मार्च को सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग बायोडाटा को जानेंगे कि किस तरह से बायोडाटा बनाया जाता है। तो बायोडाटा बनाने के लिए पहले देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है बायोडाटा का, इस तरह कैसे हम लोगों को बायोडाटा का जो डिजाइन है उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे है। पहला स्टेप जो है, एट फर्स्ट ओपन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एंड चेंज द पेपर साइज A4 एंड सेट द मार्जिन एज फॉलोज। पहला स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करके इसमें जो मार्जिन दिया है उसके हिसाब से मार्जिन को पहले सेट करके पेज को A4 साइज में करना होगा। तो चलिए वर्ड में चलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट से डायरेक्ट हम लोग मार्जिन से 0.5 वाला यहाँ पे देखिए मार्जिन पहले से रेडी करके रखा गया है, इसमें क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद साइज में जाके यहाँ से A4 चूज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो पेपर होता है वो A4 है। तो यहाँ पे देखिए A4 में क्लिक किया हुआ है, तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है देखते हैं। स्टेप टू में है अप्लाई टैब्स। हम लोग टैब्स अप्लाई करना पहले भी सीखे थे। यहाँ पे तीन टैब्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, एक है 0.5 में, दूसरा होगा 3 में और तीसरा होगा 3.5 में। तो तीन टैब हम लोग को, एक लेफ्ट में, दूसरा सेंटर में और तीसरा लेफ्ट में सेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। टैब सेट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा होम, होम से पैराग्राफ, पैराग्राफ से टैब्स। पहला टैब्स क्या है, 0.3 इंच साइन देने का जरूरत नहीं है, इसमें होगा लेफ्ट और सेट। उसके बाद होगा 3 इंच सेंटर सेट, और उसके बाद होगा 3.5, ये होगा लेफ्ट सेट और उसके बाद ओके। अब फ्रेंड्स ये समझा देते हैं कि क्यू 0.5 वाला जो टैब है वो लेफ्ट क्यू। देखिए यहाँ पे बायोडाटा को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन जहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है वो है 0.3 का लाइन। तो इस साइड को इक्वल रखना होगा और राइट साइड में टेक्स्ट लिखते हुए जाना है, इसलिए हम लोग को इसको लेफ्ट करना पड़ा है। इसको सेंटर मतलब 3 वाला जो टैब है 3 इंच का, उसको हम लोग सेंटर क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो कोलोन देते रहेंगे वो एकदम सेंटर में ही आता रहेगा, इसलिए इसको सेंटर में रखे हैं। और 3.5 का जो है उसको हम लोग लेफ्ट रखे, इसलिए क्योंकि ये भी हम लोग को लेफ्ट का अलाइनमेंट को ठीक रखना होगा और राइट साइड में टेक्स्ट को लेके जाना होगा, ठीक है, मतलब लिखना होगा। इसीलिए यहाँ पे है लेफ्ट, ये वाला है लेफ्ट, ये है सेंटर और ये है लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग तीन टैब सेट कर लिए। इसके बाद वाला काम क्या है देखिए, इसके बाद है स्टेप 3 में, नाउ टाइप योर डिटेल्स विद द फॉलोइंग फील्ड्स बाय प्रेसिंग टैब की। अभी हम लोग को ये सारा फील्ड्स को टाइप करना होगा और फील्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स है वो सबको टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए वर्ड में जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जो है वो अभी टैब के नीचे नहीं है, ठीक है। तो टैब के नीचे लाने के लिए हम लोग एक टैब की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे टैब के नीचे कर्सर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को टाइप करना पड़ेगा नेम, फिर से टैब, कर्सर आ गया। नेक्स्ट टैब में यहाँ पे हम लोग कोलन देंगे। अब कोलन कौन से बटन से होता है, आप लोग शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा और एल के राइट साइड में देखिए एक बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, लेकिन शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सेमी कॉमा आ जाएगा। उसके बाद टैब दीजिए, तो यहाँ पे नाम टाइप करना होगा तो कोई भी नाम टाइप कर देते हैं, और उसके बाद एंटर, फिर से टैब, यहाँ पे हो जाएगा फादर्स नेम टैब, इसमें वही डबल कोलन और इसमें भी नाम टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ अभी, फिर से एंटर, फिर से टैब। अब फील्ड्स क्या है वो सब तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी है और अलग से भी लिखा हुआ है फील्ड, फादर नेम के बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा जो भी फील्ड्स है वो सभी टाइप करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड्स फटाफट इसको टाइप कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं, ये जो विलेज यहाँ पे मतलब प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जब आप लोग लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ही लाइन में तो आपका पूरा एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा। उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, विलेज को लिखने के बाद विलेज या पोस्ट जो भी आप लोग को एक साथ लिखना है या कुछ भी लिखना है, पहला लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपका एड्रेस टाइप करने के बाद आप एंटर दे दीजिए, उसके बाद फिर से टैप 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 दीजिए, तीन बार टैप दीजिए तो कर्सर फिर से उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे जो टाइप करना है वो टाइप कर लीजिए, फिर से इंटर, फिर से टैब टैब टैब, फिर से यहाँ पे टाइप कर। अब देखिए यहाँ पे एक के बाद दूसरा लाइन में हम लोग एड्रेस को पूरा फिलअप किए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ही ज्यादा है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको
इसका जो गैपिंग है इस गैपिंग को हम लोग को कम कर देना होगा, तब जाके ये ठीक लगेगा देखने में। और जगह जो है वो भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कम ही चाहिए, क्योंकि एक ही पेज में हम लोग को पूरा बायोडाटा को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस में इतना ज़्यादा जगह अगर ले लेंगे तो पूरा बायोडाटा इसमें कंप्लीट नहीं भी हो सकता, मतलब जगह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और पेज लेआउट में जाके देखिए यहाँ पे आफ्टर में 10 PT किया हुआ है, ठीक है, इसको आप कम कर दीजिए तो ये एड्रेस पूरा एक साथ में आ जाएगा। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और जगह का भी आपका जो है वो बचेगा पेज में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और टाइप कर ले। अब देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किस तरह से लिखना है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मानिए आप 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, सभी का डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हैं तो किस तरह से लिखना होगा देख लीजिए। आप लिखिएगा 10th पास्ड फ्रॉम जो भी आपका बोर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे WBBSE दे देता हूँ, इसको सभी को कैपिटल में टाइप करना है। उसके बाद इन द ईयर ऑफ जो भी जिस साल में आप पास किए थे वो दे दीजिए। उसके बाद एंटर दीजिए, फिर से टैब टैब टैब, फिर से यहाँ पे आ गए हैं उसके नीचे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 12th पास फ्रॉम इन द ईयर ऑफ 2013, फिर से इंटर टैब 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 BA। आप अगर जनरल या ऑनर्स कुछ भी है तो वो लिखिए, तो मैं यहाँ पे जनरल कर देता हूँ। कंप्लीटेड, अब देखिए BA जनरल कंप्लीटेड फ्रॉम बर्धवान यूनिवर्सिटी, ये टेक्स्ट अगर राइट साइड में और आप लिखना नहीं चाहते, मतलब नहीं होगा यूनिवर्सिटी फ्रॉम इन द ईयर ऑफ लिखना होगा तो नीचे आना होगा, तो एंटर देके टैप 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 दे दीजिए और उसके बाद ही लिखिए इन द ईयर ऑफ, जो भी ईयर है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद फिर से वही काम करना पड़ेगा, आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट से अब देखिए 6 PT है, इसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए तो जगह यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं और भी टाइप कर लेता हूँ नीचे में जो है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर नॉलेज को किस तरह से टाइप करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्लीट जो भी कोर्स आपका किया हुआ है, वो बेसिक हो या डिप्लोमा हो। मैं यहाँ पे सपोज डिप्लोमा लिख देता हूँ, कंप्लीट कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम जो भी इंस्टीट्यूट से आप किए होंगे, तो मैं यहाँ पे नेशनल यूथ कर देता हूँ। अब देखिए कर्सर अगर डायरेक्ट मतलब खुद से यहाँ पे आ जाता तो ये प्रॉब्लम होगा बाद में टेक्स्ट को आपको राइट साइड में लाने के लिए, तो आप जहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से तो और नहीं लिख पाएंगे तो एंटर दे दीजिए, उसके बाद टैप 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 दे दीजिए, उसके बाद ही आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि कंप्लीट कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम नेशनल यूथ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इन द ईयर ऑफ 2014। इस तरह से और भी अगर कोर्सेज आपका किया हुआ रहेगा तो उसमें सेंटर का नाम और पासिंग द ईयर आपको टाइप करना है, क्योंकि हम लोग बायोडाटा में बायोडाटा बना रहे हैं तो इसमें उतना डिटेल्स भरने का जरूरत नहीं कि क्या ग्रेड था, क्या परसेंटेज था, वो हम लोग CV या रिज्यूम में डालेंगे, इसमें नॉर्मली रहेगा। इसके बाद भी आपका अगर और भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स रहेगा और भी कोर्सेज किया हुआ रहेगा वो भी आप नीचे में इस तरह से एंटर दे दीजिएगा। तो मैं इसके बाद वाला जो फील्ड है उसको टाइप कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं वो भी दिखा देते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस को लिखने का स्टाइल जो होता है वो होता है, सपोज आप मानिए कि कहीं पे कुछ जॉब आपका किया हुआ है, उसमें जो पोस्ट आपका था वो पहले आप लिखिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एज ए जूनियर अकाउंटेंट फ्रॉम 2011 to 2014 इन, देखिए यहाँ पे लिखे हैं एज ए जूनियर अकाउंटेंट फ्रॉम 2011 to 2014, मतलब यहाँ पे हम डाले हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से मैं 2011 से 2014 तक काम किया हूँ, कहाँ पे वो भी आपको देना है कंपनी का नाम। एंटर देके टैप 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 करके यहाँ पे लिख दीजिए मैट्रिक्स सेल्स एंड सर्विस एट कोलकाता, ये आपका डिटेल्स हो गया। एज ए जूनियर अकाउंटेंट फ्रॉम 2011 to 2014 इन मैट्रिक सेल्स एंड सर्विस एट कोलकाता, मतलब आप कोलकाता में मैट्रिक सेल्स एंड सर्विस के ऑफिस में 2011 से 2014 तक आप एक जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से काम किए थे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस तरह से और भी कई सारा अगर वर्किंग एक्सपीरियंस आपका रहेगा तो आप 1, 2, 3, 4 करके भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हॉबीज में होना चाहिए था प्लेइंग क्रिकेट, जो मैं ऊपर में लिख दिया था। अब ऊपर में आप लोगों को अदर क्वालिफिकेशन में जैसे कि आप लोगों का कंप्यूटर या 10, 12
ग्रेजुएशन को छोड़ के भी अगर कुछ अदर टाइप का क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट्स को ड्राइंग में होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो कोई भी चीज़ में आप लोगों का अगर अदर क्वालिफिकेशन है तो वह आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पे अभी नहीं है तो मैं नील लिख देता हूँ। और उसके बाद हॉबीज़ में मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हॉबीज़ मतलब आप जानते ही होंगे क्या आपको अच्छा लगता है वो। नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोन तक टाइप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जाके एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे अभी है डिक्लेरेशन, हॉबीज के बाद है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके पहले डिक्लेरेशन वाला जो टेक्स्ट होगा वो लिखते हैं। तो एंटर दीजिए, लास्ट फील्ड आपका जब लिखना हो जाएगा तब एंटर दीजिए। उसके बाद टैब दे के आप इसमें डिक्लेरेशन लिखिए, DECLARETION, डिक्लेरेशन को टाइप कर लीजिए। अब डिक्लेरेशन टेक्स्ट को आप बाद में सेंटर में करिएगा, अभी इसको सेंटर में करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले एंटर देके टैब देके, अब क्यों इसको सेंटर में अभी नहीं किए वो भी समझा देते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग इसको सेंटर में करेंगे और एंटर देंगे तो क्या होगा, कर्सर भी वही सेंटर में रहेगा। इसमें जो भी हम लोग स्टाइल अप्लाई करेंगे जैसे कि बोल्ड या साइज बड़ा या स्टाइल चेंज, वो सभी स्टाइल्स आपका इस टेक्स्ट में भी रह जाएगा नीचे में जो आप लिखने जाएंगे। इसलिए डिक्लेरेशन टेक्स्ट को आप बाद में सेंटर करिए, पहले डिक्लेरेशन का जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर लीजिए। तो मैं डिक्लेरेशन में जो लिखा हुआ रहता है उसको फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन को टाइप कर लिया है और अभी हम लोग डिक्लेरेशन का जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम टैब से सेंटर में इसको कर देंगे और इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। स्टाइल को भी आप लोग अगर अच्छा मतलब दिखाना है, चेंज करना तो चेंज कर लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो डिक्लेरेशन टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग का क्या काम है, एंटर एंटर दो बार एंटर दे दीजिए और एक टैब देके यहाँ पे लिखिए डेट, एक हाइफ़न दे दीजिए, फिर से यहाँ पे लिखिए एंटर देके एक टैब देके प्लेस, फिर से एक हाइफ़न। अब ये प्लेस जहाँ पे आप लिखे हैं इसी लाइन में एकदम लास्ट में यहाँ पे होगा कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आप स्पेस को पकड़ के रखिए और राइट साइड में जाइए जहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर लिखना है उस जगह में। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर। अब कैंडिडेट सिग्नेचर के ऊपर में एक लाइन बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा देख लीजिए। इंसर्ट में जाना होगा हम लोग को, इंसर्ट से यहाँ पे है देखिए शेप्स, शेप्स में क्लिक करने के बाद ये लाइन जो है दो नंबर वाला उसको चूज़ कर लीजिए और शिफ्ट को प्रेस करके इसके ऊपर से ड्रॉ कीजिए, नहीं तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगा। हो गया स्ट्रेट, अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा। देखिए लाइन सिलेक्टेड है, कैसे आप समझेंगे लाइन सिलेक्टेड है, देखिए दो पॉइंटर्स दोनों साइड में दिखा रहा है। मानिए कि मैं बाहर में क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए कोई पॉइंटर्स नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जब आप माउस को लेके आएंगे तो चार साइड में चार एरो की तरह दिखेगा, तभी आप क्लिक कीजिएगा तो ही सिलेक्ट होगा, नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब इस लाइन को थोड़ा सा हमको मोटा करना है, थिकनेस इसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी जाके फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब से आप लिस्ट पर में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मिडिल वाला जो लाइन है या आप नीचे का भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। हो गया, अब इसको हम लोग डॉट 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 स्टाइल में चाहिए, मतलब डैशेस में। तो आप लोग शेप आउटलाइन में आ जाइए और यहाँ से डैशेस में जाइए और यहाँ से डॉटेड वाला या कोई भी एक स्टाइल जो आपको पसंद है वो चूज कर लीजिए। हो गया, इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बायोडाटा टाइप करना होगा। तो बायोडाटा टाइप करने के लिए जगह तो यहाँ पे नहीं है, तो पहले नेम के एकदम फर्स्ट में क्लिक करके हम लोग एंटर दे देते हैं एक, ठीक है, ऊपर में जगह नहीं है इसलिए एंटर दे देंगे और एक टैब, तो ये सेट हो जाएगा। और अप एरो को प्रेस करके हम लोग कर्सर को ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन करके लिखेंगे बायो और डेटा। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जो भी आपको स्टाइल इसमें अप्लाई करना है वो स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ और अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक फोटो लगाने का जगह बनाना है, तो फोटो लगाने का बॉक्स बनाने के लिए हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से शेप्स और यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे। अब शिफ्ट प्रेस करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये फिल कलर में आया, हमको बस यहाँ पे स्ट्रोक कलर चाहिए, तो क्लिक है या क्लिक अगर बाहर में आप क्लिक कर दे तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेट से यहाँ पे देखिए शेप स्टाइल का लिस्ट पॉइंट है, इसमें क्लिक करके ये फर्स्ट एकदम स्टाइल चूज कर लीजिए। अब इसके अंदर में आपको टाइप करना होगा अगर कुछ भी, तो आप कैसे टाइप करेंगे, मानिए कि जैसे लिखा हुआ रहता है फोटोज या अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो उसको लिखने के लिए राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और
ऐड टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लीजिए जो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें कुछ टाइप कर लिया है, ठीक है। तो हम लोगों का बायोडाटा बन गया है। देखिए कैसे इसको फुल पेज में आप देख सकते हैं, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको नीचे की तरफ में घुमाइए। तो देखिए पूरा पेज आपके सामने छोटा हो जाएगा। देखिए मेरा बायोडाटा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बायोडाटा को बना सकते हैं। अब देखिए पेज के चारों साइड में आपको अगर बॉर्डर देना है तो वो कैसे होगा। बॉर्डर हम लोग पहले ही सीख गए थे। बॉर्डर देने के लिए हम लोग को पेज लेआउट में जाना होगा और वहाँ से पेज बॉर्डर, और उसके बाद पेज बॉर्डर में ही रहेंगे और बॉक्स स्टाइल चूज कर लीजिए, कोई भी एक लाइन स्टाइल चूज कर लीजिए और ओके कर दीजिए। हो गया आपका बायोडाटा में चारों साइड में बॉर्डर। अब ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसको हटाने के लिए आप क्लिक कर दीजिए इस पेज में और बैक स्पेस दे दीजिए, तो बस डिलीट हो जाएगा पेज। अब देखिए बायोडाटा आपके सामने रेडी है, ठीक है, एकदम सही हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी बना के देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इजी है। कुछ भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग CV के बारे में डिस्कस करेंगे, CV कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।